नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे पोल्ट्री फार्म में। आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है। आज जो है हमारे फार्म पे 24वें बैच का चूजा जो है आने वाला है, तो आपको आज दिखाते हैं इसकी तैयारियां और चिक्स के बारे में, कितना हेल्दी चिक्स आता है। तो देखते रहिए, बने रहिए हमारे चैनल पे आगे की अपडेट। हाँ, इधर लगाओ, इधर ज़्यादा अंदर लेके चलो, लगा दो कोई बात। आज हमारे फार्म पे जो है हमारे एक फौजी भाई दीपक गोसाई जी आ गए हैं, और आज हम इनका स्वागत करते हैं अपने क्या नाम पोल्ट्री फार्म में। आज हमने इनकी हेल्प ली है, ये बच्चों का स्वास्थ्य चेक करेंगे। आज जो बच्चे आएंगे उन चिक्स का स्वास्थ्य चेक करेंगे। तो आज हम अपने दीपक भाई को फार्म की तैयारी दिखाने वाले हैं कि बच्चा आने से पहले फार्म की कैसे तैयारियां की जाती है। तो चले देखें भी तैयारियां क्या क्या कर रखी है। तो ये जो है बच्चा जो है कल रात आना था, लेकिन रात में नहीं आया, अब सुबह हो गई है डिलीवरी करते हुए उन्हें। तो ये तैयारियां हमारी, पानी लग चुका, गुड़ का सारा रेडी है, भूसी गिरी भी अच्छे से, तो इससे क्या कंफर्टेबल रहता बच्चा जो है इस भूसी से, भूसी की लेयर बनी रहे तो इन्हें जो है प्रॉपर आरामदायक रहता है। और ये जो है ये आ रखा है प्री स्टार्टर, ये कल 3 बैग आ गए थे प्री स्टार्टर के, और ये गुड़ लाया हुआ है, ये हमने जो है 5 kg के आसपास मंगाया था इस बार। और बर्तन तो ऑलरेडी लगा ही चुके हैं गुड़ के पानी का, बस बच्चे आएंगे और हम इसमें बच्चों को सीधा जो है फार्म में छोड़ देंगे। ये जो है हमारा 23वां बैच है, ये आया था हमारा 4 तारीख को ना, 4 अगस्त का बच्चा है। आज कितने दिन का हो गया, 29 तारीख होगी ना, आज 25 दिन का हो गया यार, 25 दिन हो गया आज इस चूजे को। तो ये जो है 1.25 किलो का आ गया ना, उसे रेकिंग करना बोलते हैं, जो हमारे रिंकू भाई कर रहे हैं, इससे क्या जो गीला होता है ना फार्म वो ड्राई हो जाता है। तो चलिए दिखाते हैं आपको आज की तैयारी कैसी है। कल रात में जो है बारिश हुई थी, तो उसकी वजह से थोड़ा सा टेम्परेचर, तो ये तो सारा तैयार है हमारा फार्म चूजों के लिए। और जो टेम्परेचर है इस टाइम पे 27 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है, 9:14 हो रहे हैं अभी, और आज तारीख है 29 अगस्त। तो दोस्तों इसे कहते हैं ब्रूडर, जहाँ पे बच्चे को जो है पहले हफ्ते 10 दिन तक रखा जाता है, और इसमें टेम्परेचर का पूरी तरह से ध्यान रखा जाता है, और बच्चों की जो है विशेष तरह से दवाइयाँ और फीड का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि स्टार्टिंग में जो है फ्री फीड चलाया जाता है। ये देखिए पूरी तरह से जीरो किया हुआ है ऊपर से, ताकि टेम्परेचर मेंटेन हो सके इसमें, इस तरह से ये दोनों साइड से बंद है, अंदर से भी और बाहर से भी। तो ये अति दिनों में बहुत जरूरी होता है इसको जो है फिक्स करना, ताकि जो है चूजों उसको जो है ठंड ना लगे, और एक उनको जो है अनुकूलित वातावरण मिले, उससे जो है चूजों में मोर्टिलिटी कम होती है और चूजा जो है स्वस्थ रहता है। गाड़ी जो है आ चुकी है, शाम को जाऊंगा। तो चिक्स की गाड़ी हमारी पहुंच चुकी है, अंदर लिया मरा के। भाई यहाँ आएगा, यहाँ अच्छा ठीक है। हाँ हाँ, बाइक दबा के लगा वाली, ठीक है, पेड़ बचाना दोनों। चलो चलो चलो, तो आज जो है पहली बार हमारे यहाँ पर गाड़ी फंस गई है भाई की। क्या नाम है भाई का, ड्राइवर का? ये आज तक हमारे यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं फंसी है, पहली बार फंसी भाई तेरी गाड़ी है। कोई बात नहीं, हो जाता है, हो जाता है।
चलो 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 हमने जो है अब ये डिसाइड किया है कि पहले बच्चे उतार लेते हैं, मुझे उतार लेते हैं और फिर जाके इसको गाड़ी के जो है पीछे की तरफ खींचेंगे इसके बाद में। तो ये जो चूजा आया है हमारे पास इस बार, ये ना ये चूजा है क्लास पुलसिया रिसर्च एंड ब्रीडिंग फार्म का ये चूजा आया है इस बार। ठीक है, तो एक बॉक्स में 56 बच्चे। क्या नाम है सरदार जी आपका? प्रकट। प्रकट कहाँ से? प्रकट जी आप सहारनपुर से। गाड़ी कहाँ की है? सहारनपुर में है। एचवी हैचवी कहाँ है? बड़ी कुशलपुर में। अच्छा, आपका नाम क्या है? करणवीर। करणवीर रणवीर। रणवीर रणवीर। तो कब से काम कर रहे हो आप इसमें? दो तीन महीने से। अच्छा, गाड़ी आपकी अपनी है? ड्राइविंग करते हो आप? ड्राइवरी कर रहे हो। और आपका दार जी, आपका क्या काम है? मेरा भी ड्राइवरी। साथ में ही हो आप? ठीक है। डिलीवरी का काम करते हो आप लोग? तो कंपनी में लगी हुई गाड़ी है, कॉन्ट्रैक्ट पे करते हो डिलीवरी? नहीं, कंपनी की गाड़ी है। कंपनी की गाड़ी है ये। ठीक है, तो कंपनी का कहाँ पे बताया आपने ऑफिस? ये बड़ी ये कहाँ पड़ता है? हरियाणा। हरियाणा में? यूपी में। यूपी में? यूपी में है ये। कहाँ पे यूपी में? देहरादून के पास में, उत्तराखंड के पास में है। अच्छा, सहारनपुर के पास नहीं? देहरादून देहरादून से 30-35 किलोमीटर नीचे है। देहरादून में आती है हैचरी है? यूपी में आती है? यूपी में आती है। यूपी में डिस्ट्रिक्ट कौन सा पड़ता है हैचरी का? जिला सहारनपुर में पड़ता है। ये जो बॉक्स आ रहा है 2850 ग्राम का आ रहा है और इसमें 56 चूजे ना इसमें? जी। ठीक है, दो तीन बॉक्स में काउंट कर ले। ठीक है रिंकू, तो ये बंद कर देना। ये जो है बॉक्स है 650 ग्राम का। ठीक है भाई, माइनस कर दो भाई, पीछे हटना की साइड में। 650 ग्राम का बॉक्स है, माइनस करो 2850 में से माइनस 650, 2200 ग्राम आ गया ना। हाँ, 2200 ग्राम को डिवाइड करो 56 बच्चे से, तो यह है तुम्हारा 2200 / 56 39 ग्राम का बच्चा है। ठीक है, चलो ले आओ, इससे नीचे मत लेना बच्चा। ठीक है भाई, कितने ग्राम का रहा हो? ये डब्बा कितने ग्राम का था? 2850 से ले आओ, फाइव डब्बे ले आओ, फटाफट ले आओ डब्बे। डब्बे हमारे पास आते थे ना, वो 450 से 500 ग्राम का डब्बा आता था हमारे पास। तो ये फर्स्ट टाइम है कि 650 ग्राम का डब्बा, यानी कि डब्बा हैवी बनाया हुआ इन लोगों ने बच्चे की सेफ्टी के लिए, तो ये अच्छी बात है। और हम देख लेते हैं 39 ग्राम का वजन इसमें आ रहा है बॉक्स में भी। तो ये जो है चूजा पान पे निकलना शुरू हो गया। कितने बॉक्स मिलेंगे हमें बताओ भाई? कितने बॉक्स है भाई जी? तो हमें जो है 2500 चूजे मिल रहे हैं, तो हमें 45 बॉक्स मिलेंगे। 56 बच्चे हैं एक बॉक्स के अंदर, तो जो है एक्स्ट्रा मिलता है 2500 में, जो है 2550 चिक्स हमें मिलेंगे। वजन सबका सही आ रहा है? कितना आ रहा है? हाँ, कोई गिनती इतनी कर पाएगा? ये हजारों बच्चे लेके आते कैसे करेंगे? कैलकुलेटर निकालो, बहुत कम है, काउंट कर इसे, कैलकुलेशन मारो कि 56 × 45 बॉक्स दे रहे हैं। 45 बॉक्स कैलकुलेशन मान, 56 × 45 हाँ कितना आ रहा है? 2520। तो भाई 45 बॉक्स के बाद भी ना आप हमें 30 बच्चे और दोगे? ठीक है, 30 बच्चे और दोगे ना 45 बॉक्स के अलावा? वो तो हमें लिखा है। हाँ हाँ, ठीक है। तो बच्चा अगर आपका 40 ग्राम से ऊपर आता है, 45 ग्राम या 48 ग्राम 50 ग्राम भी मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे मिलता नहीं 50 ग्राम, 45 ग्राम आया मैक्सिमम हमारे पास, 45-46 ग्राम का हाँ आ जाता है।
ये अब क्या करें, मजबूरी है यहाँ तो। दीपू भाई आप तो पहली बार देख रहे हो बच्चों की अनलोडिंग, चिक्स कैसे आता है फार्म पे, कैसा लग रहा आपको, क्या एक्सपीरियंस आपको देखने के बाद, पहली बार देख रहे हो? एक्सपीरियंस क्या होना है, तो पहली बार देख रहे हो। क्या मतलब कैसा लग रहा, टफ काम है कि ऐसे आसान है? टफ तो नहीं है। हाँ, क्योंकि हम लोगों को आदत पड़ रही है, प्रोसेस हमारा एक जैसा है, तो हमने प्रोसेस बना लिया कि हमने ऐसे काम करना है, तो फिर हमें तो बहुत आसान हो जाता है करना, कुछ ही मिनटों में काम कर खत्म कर देते हैं, बच्चों का वजन करके यार फार्म में जहाँ अनलोड कर लेते हैं। जब एक ही काम को बार बार किया जाता है तो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर बन जाता है काम को फॉलो करने का, तो उसकी वजह से काम आसान हो जाता है। तो आप भी जो है अपने काम को जो है एक स्टैंडर्ड बढ़ाएं काम करने का, उससे क्या है काम आसान हो जाएगा आपका। इजी मेथड आपको डालने चाहिए काम के अंदर, काम करने के लिए, जिससे और जल्दी हो जाए। जैसे चिक्स काउंट करने के बजाय वजन करके चिक्स लेने चाहिए, उससे क्या कि बच्चे की आपको हेल्थ का पता रहेगा, कितनी हेल्थ, कितना हेल्दी बच्चा आ रहा है आपके पास और कितना स्वस्थ बच्चा आ रहा है। थोड़ा दूर रखें, अभी तो फर्क है। अच्छा, जंगल है वहाँ पे किनारे पे? अच्छा, सही रहता, सुकून रहता, लेकिन थोड़ा सा हाँ साफ सुथरा माहौल, क्लाइमेट बहुत प्योर होता है। ठंडा हाँ। ठंडा मौसम अभी अच्छा। लेकिन रेट ये तो अंदर जंगल किनारे ना, तो रेट कम है इधर, तो 5 लाख रुपए 6 लाख रुपए का इधर कम है, लेकिन अगर आप रोड साइड साइड देखोगे तो 50-60 लाख भी है, और 1 करोड़ का भी बिका है वहाँ पे रोड किनारे पे, रोड हेड पे जो है। अच्छा, क्या रेट है? वो तो देहरादून के किनारे पे है ना मामला? हाँ हाँ हाँ, मैं तो घूमा देहरादून बहुत। शिवालिक में? अच्छा, शिवालिक साइड में काउंट कर लो। कितने डिलीवरी किया आज आपने, कितनी जगह बच्चा उतारा है? ये 7 जगह 7 जगह उतर रहे हैं यहाँ पे, अभी 8 जगह भी जाओगे आप, 2 जगह और उतरेगा, 9 जगह के बच्चे थे। कितने बच्चे लेके आए थे आज आप? 15,900 कुछ टोटल, जिसमें 2,500 हमारे यहाँ उतारे हैं आपने, बाकी जगह भी उतरे होंगे। तो कितने कितने बच्चे उतारे लगभग? ये तो आदमी है, तो उसमें देख के पता लगेगा ना, क्लास में कितने उतर गए। डिलीवरी आपने कौन कौन से एरिया में किया आज? कौन कौन से एरिया में बच्चा उतारा है आज? सब हमारे एरिया में ही है। अच्छा ठीक, तो सभी लोग काउंट करते हैं बच्चे को या कैसे? सब लोग काउंट करके लेते हैं, जैसे हम कर रहे हैं कि वेट करके ले रहे हैं, ऐसे भी करते हैं। नहीं, अभी आप करो ना, काउंट करते हैं सब लोग, मतलब इस तरह आप तो चेक कर लेना, आप तो घंटा कर देते। हाँ, और तक मेरा जैसे हमने बॉक्स कर दिया, बॉक्स में सारा वहाँ मार के। अच्छा, बॉक्स सब सभी बॉक्स काउंट के जाते हैं बाकी जगह पे, जैसे हम कर रहे हैं कांटे वजन करके ले रहे हैं वो करते हैं, जो जैसे कि बच्चा जिसका कम आ रहा। अच्छा, कम बच्चे वाले काउंट कर लेते हैं। हाँ, कम बच्चे वाले करते हैं, उसके पास ज़्यादा बच्चे करो ना। हाँ, वो तो ले रहा 2-4 बॉक्स गिनता है। हाँ, और उसके बाद हो गया ना, 2-4 बॉक्स काम करके, लेकिन हमारा प्रोसेस सही नहीं है, हम बॉक्स का वजन करके ले रहे हैं, सबसे बढ़िया तरीका है ना ये। तो आपकी डिलीवरी ज्यादातर इसी एरिया में होती है? अच्छा ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपकी कंपनी का नाम है प्लास्टिया नाम है, प्लास्टिया रिसर्च एंड ब्रीडिंग फार्म, विलेज आपका खुशालीपुर डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर यूपी, कांटेक्ट नंबर भी इसका आ रहा है। जैक आजा, पहले तो काशीपुर आएगा, रामनगर तो ऊपर है, जैक काशीपुर से नीचे है, पहले काशीपुर आएगा ना। आजा आजा, 30 बच्चे और एक्स्ट्रा, मतलब 50 बच्चे एक्स्ट्रा हो जाएंगे हमारे ना। तो ये सारे बच्चे जो हैं ब्रूडर में आ गए हैं, खुल गए हैं सारे बच्चे, बच्चा ठीक है, हेल्दी है, और एक बच्चा जो है अपाइज है और एक बच्चा मरा हुआ निकला इसमें, तो ये रिप्लेसमेंट हम अभी करा लेंगे। ठीक है, ये भी अनहेल्दी है,
टेम्परेचर हो रहा है 29.4 है टेम्परेचर। तो अब धूप आने वाली है तो इसमें ना बॉर्डर पे अभी पन्नी मत लगाना आगे से, सुन पन्नी लगेगी शाम को 4 बजे, आगे की पन्नी शाम को 4 बजे लगेगी क्योंकि धूप हो गई, अब धूप से टेम्परेचर बढ़ जाएगा। 4 बच्चे जो है मिल चुके हैं रिप्लेसमेंट के। हाँ जी आगे साइन दिखाओ जी, यहाँ पे करना पकड़ना है। रोक रोक तेज 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 आगे लाओ, आगे 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 सीधा 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 लगा लो। सुन इसे रोकिए मत, सुन ले यहाँ ला पहले, यहाँ इसे यहाँ ला या फिर सीधा पीछे निकाल दे। फिर वहीं ले गया ना, गलत जगह ला के खड़ा कर रहा गाड़ी को। सीधा टायर सीधा सीधा धुआं मत, सीधा निकाल सीधा मार बैक पीछे को, सीधा कर पहले कोई गड्ढे में नहीं, चलो सीधे करो। यार गाड़ी अच्छी खासी निकाली तो मैं फिर वहीं किचन में ला के खड़ी कर दी। ये सारा यहाँ निकली यहाँ फंसी, यहाँ निकली यहाँ फंसी, ये चल रहा। ट्रैक्टर मंगाया है गाड़ी को निकालने के लिए, तो ये जो है ट्रैक्टर के थ्रू खींच के निकाल लिया है इसको। सीधी कर लो पहले पीछे को। तो दोस्तों ये थी हमारे आज के तैयारी, और उम्मीद है ये बैच हमारे फार्म के लिए बहुत सफल साबित होगा। तो अगर आपको हमारे ब्लॉग्स पसंद आते हैं, वीडियोस पसंद आते हैं, तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।